section, we will mainly discuss the what are the chains involved in the infection. So before I'm going to tell you of the steps of the chain of infection, I would love to tell you about the introduction. So what actually chain of infection is? The spread of an infection within a community is described as a chain, just may appear several interconnected steps chain that describe how a pathogen moves about. आप कह लें कि इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो एक जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग मेन टू ब्रेक द चेन प्रिवेंटिंग ए पैथोजन फ्रॉम स्प्रेडिंग. उसमें आपका फॉर एग्जांपल आपके ह्यूमन बॉडी है, आपके जो है वो पैथोजन है, आपके मीडियम है, अगर वो इन्वॉल्व है तो वो एक चेन बना देता है. सो जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज है अमंग फ्रॉम लास्ट टू डिकेड्स आपके ह्यूमन में वो थ्रेट कास्ट कर रही थी, उसकी जो डे बैड है उसकी जो इन्फेक्शन रेट है वो ज़्यादा हो रही है. So these diseases can rapidly spread across national boundaries and communities, just like COVID-19 tha, which may challenge the ability of public health system and to prevent and to control the spread of the diseases, especially on condition mein jahan pe limited resources countries ho or regions, just like Pakistan is still jo hai wo limited resources country hai. Kaun kaun se steps hain wo hum define karenge in 6 links. The first one is the pathogen, infectious agents. And the second one is the reservoir, the normal location of the pathogen, and the portal of exit from the reservoir. The fourth one is the mode of transmission, and fifth one is the portal of entry into a host, and last one jo hai wo kya hai, susceptible host. The infectious agent kya kya ho sakte hai, either wo bacteria bhi ho sakta hai, but not always bacteria, wo virus bhi ho sakta hai, wo fungi bhi ho sakta hai, wo parasite bhi ho sakta hai, kuch bhi ho sakta hai. सो वायरल की आप बात करें तो वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑन द नंबर और उसकी पोटेंसी पे, उसकी जो एबिलिटी है और उसकी जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, उसकी बॉडीज पे, एंड दी ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, इन चार पांच चीज़ों पे जो है वो डिपेंड कर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें स्मॉल पॉक्स की, सो वो पर्टिकुलर वायलेंट होते हैं और जो इन्फेक्शियस ऑलमोस्ट पीपल उसमें एक्सपोज होते हैं. बट अगर आप टीबी की बात कर ले तो वो क्या होगा, वो उसमें एक सर्टन या स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल जो है वो क्या होंगे, वो इन्फेक्ट होंगे. सो और दोज हु आर अंडर नरोश जो है वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, या क्राउडेड कंडीशन में तो वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं. वायरसेस आर इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स, दे कैन ओनली प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस इनसाइड ए लिविंग सेल्स. उसको जो है वो लाजमी एक मीडियम या रिजर्वायर जो है वो लिविंग सेल में होना चाहिए. समवायरस अगर आप बात करें HIV की, हेपेटाइटिस बी एंड सी, उसमें एबिलिटी है कि वो एंटर करे एंड सर्वाइव करे बॉडी में और वो जो है वो सालों साल जो है वो रहे वहाँ पे और वो सिम्टम कास कर सकते हैं. अदर वायरस की आप बात करें तो वो इन्फ्लुएंजा है या COVID-19, बट उसकी जो टाइमिंग है जो सिम्टम्स की अपेयरेंस वो थोड़ी सी ज़्यादा कम है और वो जल्दी अपेयर हो जाते हैं. रिजर्वायर जो है वो इज अ पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, आर्थ्रोपोड भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो सॉइल भी हो सकता है, वो सब्सट्रेट भी हो सकता है, या इन चार पांच चीज़ का जो है वो कम्बिनेशन भी हो सकता है. सो इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव एंड मल्टीप्लाई, वो रिजर्वायर है सिंपल. सो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो डिपेंड करते हैं रिजर्वायर फॉर द सर्वाइवल. विल इट ट्राई टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन अ सच मैनर दैट इट कैन ट्रांसमिट और टू ससेप्टेबल होस्ट. एनिमेट में क्या क्या हो सकते हैं, वो लिविंग हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं. जो इन एनिमेट है उसमें आपके सॉइल आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, फूड आ जाता है, फीसिस आ जाता है, इंट्राविनस फ्लूड इक्विपमेंट्स, ये सारे जो है वो क्या है, इन एनिमेट्स हैं रिजर्वाइवल. पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है वो बाई मीन वो जो जहाँ से पैथोजन जो है वो एक्सक्रीट होते हैं या जहाँ से वो निकल होते हैं फ्रॉम दी रिजर्वाइवर. From a human reservoir, the portal of exit जो है वो blood हो सकता है, respiratory secretion हो सकता है, या gastrointestinal secretion या urinary tract secretion वो हो सकते हैं. So once a pathogen has excited the reservoir, it need a mode of transmission to transfer itself into a host. अब वो क्या है, This is accomplished by entering the host through a receptive portal of entry. For example, ट्रांसमिशन कैन भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को हो सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी हो सकते हैं या थ्रू के वो हो सकते हैं, आगे हम पढ़ लेंगे उसमें. सो ट्रांसमिशन जो है वो अगर आप बात कर ले रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, इसमें COVID-19 जो है वो सबसे टॉप पे होगा. इस प्राइमरीली वायरस लैंडिंग फ्लूइड पार्टिकल्स. अब ये क्या है,
अगर ड्रॉपलेट्स की सुना होगा, ये एरोसोल्स वो बनते हैं उन इन पेशेंट जो इन्फेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड-19 इन्फेक्टेड हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होंगे कि जो स्प्लैशेस फ्रॉम माय माउथ वो क्या करेंगे, वो अगर वो स्प्लैश जो है मूव करते हैं फ्रॉम माई हाउस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जो मेरे साथ बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। अब जो बड़े ड्रॉपलेट्स है वो मेरे साथ ही जो है वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाएंगे, बट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे ट्रेवल में और वो सस्पेंड होंगे फॉर दी हावर्स। वो कहाँ पे, उसको हम फिर एयरबोन कहते हैं या ड्रॉपलेट्स कहते हैं या एरोसोल कहते हैं। सो अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवापोरेट फास्टर देन दे सेटल फॉर्मिंग अ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई दैट कैन स्टे एयरबोन फॉर हावर्स बिकमिंग एरोसोलाइज्ड एंड मे बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दिस वॉज स्टेटेड बाई मेथिल एट ऑल इन 2022 10 जुलाई। अच्छा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द कोविड-19 अगर प्राइमरीली 3 रूट्स के, वो लार्ज पार्टिकल्स जो है वो देट आर स्प्रेड विद सफिशिएंट मोमेंटम फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट द रेसिपिएंट माउथ नोज कंजक्टिवा जो भी एक्सपोज एरिया हो। सेकंड नंबर पे फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ड्रॉपलेट वाइल डूइंग इंटरकोर्सेज और वाइल डूइंग हैंडशेक उसे भी हो सकते हैं। थर्ड पे क्या है, इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लियर डिलीवर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, मैंने बात की है और 1 घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद कोई बंदा आ जाता है और यहाँ पे इनहेल कर लेते हैं। सो ये थर्ड पे हो सकता है। दिस वाज ऑल सो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मेथिल एट ऑल इन 2022। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह जो है वो जो लार्ज पार्टिकल है यहाँ पे आप देख लें वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं और जो स्मॉल पार्टिकल है वो मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस लिंक को जो है वो किस तरह ब्रेक करना है हमने। अगर हम बात करें मूड ऑफ एस्केप की, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो हमने क्या करा, फॉर एग्जांपल मैं इन्फेक्ट हूँ तो मैंने प्रॉपर मास्क पहना होता है, डायरेक्टली पेशेंट से जो है वो बात ही नहीं करनी, मैंने घर पे रहना एक स्पेसिफिक एरिया पे, और जो कफ इतिकेट है मैं चीख रहा हूँ तो या चीख रहा हूँ तो या जो है वो कफ कर तो हाथ में पहले मैं अपने मुँह के सामने हाथ रख दूँ, उसके बाद जो है वो हैंड हाइजीन प्रॉपरली परफॉर्म करो। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे वो एस्केप हो रहा है तो फिर प्रॉपर जो जो बॉडी सिक्रीशन है वो प्रॉपरली मैं डिस्पोज ऑफ करूँ, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो मैं यूज़ करूँ, प्रॉपर जो है वो गुड हाउस कीपिंग में परफॉर्म करूँ, एंड एट द एंड जो है वो हैंड हाइजीन है। स्किन की अगर बात करें तो प्रॉपर जो है वो ड्रेसिंग अप हो प्रॉपरली, PPE प्रॉपर यूज़ करने हैंड हाइजीन। फॉर द ब्लड तो उन ब्लड से जो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं नीडल यूज़ कर रहा हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट तो वो मैं उसको प्रॉपर हैंडल करूँ, यूज़ ग्लव एंड प्रॉपर जो है वो केयर करें आप ट्रांसपोर्टेशन में एंड प्रोसेसिंग ऑफ दिस स्पेसिमेन, एंड देन आपने हैंड हाइजीन प्रॉपर यूज़ करने थे। एयरबोन या एरोसोल ट्रांसमिशन में अगर आप बात करें तो द प्रिंसिपल मोड बाई विच पीपल आर इन्फेक्टेड वो सोर्स जो है वो 3 है, जो मैंने आपको कहा कि इनहेलेशन ऑफ वेरी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या जो है वो एरोसोलाइज्ड। पीपल रिलीज रेस्पिरेटरी फ्लूइड एक्सहेलेशन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम बात करते हैं तो उस टाइम जो है वो प्रॉपर होता है, इसमें जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं और जो कि स्मॉल पार्टिकल है वो मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। आजकल जो हॉस्पिटल है वो बन रहे होते हैं वो खुली एरिया में बन रहे होते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर वेंटिलेशन, बिकॉज क्या कि जो एरोसोलाइज्ड इन्फेक्शन है वो प्रॉपर उस पे सन आए वो डिस्पोज ऑफ हो और वो बाहर एनवायरनमेंट में जो है वो सर्कुलेट कर सकते हैं ताकि उस स्पेसिफिक एरिया में वो मूव नॉट मूव करे। तो उसके लिए क्या करना है कि जो आजकल जो बिल्डिंग बनी रही होती है वो प्रॉपर जस्ट लाइक MMC वो ओपन होती है, यहाँ पे आप देख लें। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर आप बात करें तो उसमें आपके व्हील बोन व्हीकल बोन जो है वो वेक्टर बोन कॉन्टैक्ट है, व्हीकल बोन जो है वो इन एनिमेट में आ जाते हैं, चूँकि अगर फॉर एग्जांपल आप स्टैंग यूज़ करें कोई दूसरा बंदा के बैठ जाए और वो स्टैंग दोबारा वहाँ पर टच करे तो जो है वो प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं अगर बात करूँ कुकिंग की तो वहाँ पर भी या कपड़े जो है या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या ब्लड है उसके थ्रू भी जो है वो आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेक्टर बोन कॉन्टैक्ट इज ट्रांसमिशन बाई एनिमेट जो कि लिविंग्स होते हैं, इसमें आपके मॉस्किटोज आ जाते हैं, स्पेसिफिकली मलेरिया की वो बेस्ट एग्जाम्पल है। पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो डिपेंड करते हैं आपके
mucous membrane पे, non-intact skin पे, respiratory, gastrointestinal, urinary tract, इन सारी चीज़ों पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। कुछ करंट डिजीज़ जो है वो रेस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू लग रही होती है, कुछ डिजीज़ जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, कुछ जो है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट करते हैं, कुछ कंजक्टिवा के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। जो ब्रेकिंग द लिंक ऑफ इन्फेक्शन में आपके आ जाती हैं, अगर रेस्पायरेटरी ट्रैक वही हैंड हाइजीन है, मास्क है, पीपीई है, प्रॉपर वॉइस है, कुछ ही ससेप्टेबल होस्ट जो है वो द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ ससेप्टेबल होस्ट समवन एट द रिस्क। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एंडेमिक है मर्दान में और मैं मर्दान में हूँ, सो आई एम ससेप्टेबल इफ़ आई हैव अ वीक इम्यूनिटी या मैं जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा तो वो मैं एक्सपोज हो सकता हूँ इस चीज़ पे, या मैं ससेप्टेबल हूँ। अगर चिल्ड्रन हैं, वेरी यंग हैं, तो उसको आप सेपरेट रखिए उस कंडीशन में। अगर पीपल हु आर वेरी ओल्ड, उसके लिए आपने प्रॉपर जो है वो उनको एक सेपरेट एरिया में रखना होता है, जैसे लाइक कोविड 19 में हमने की। अगर न्यूट्रिशन की वो प्रॉपर है तो आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, सप्लीमेंट्स लेनी है, वैक्सीनेशन करनी है प्रॉपर, प्रॉपर सैनिटेशन करनी है, और जो है वो अर्ली डायग्नोस करना है उसको। दिस इज़ द चेन ऑफ इन्फेक्शन, आप देखें और यहाँ यहाँ पे जो है वो उसकी किस तरह जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। सो इफ़ द चेन इज़ नॉट ब्रोकन, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू गो ऑन एंड टू डेवलप डिजीज इन अनदर पर्सन। सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इफ़ यू वांट यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट यू तो फिर आप जो है वो नहीं कर सकते। किस तरह जो है वो आपने ब्रेक करना होता है पे, तो वो स्पेसिफिक अगर आप इन्फेक्शियस एजेंट की बात करें तो उसके लिए जो है वो क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंटीमाइक्रोबियल जो है वो स्टेप वर्डशिप्स हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक स्टेप के लिए वो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।